आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट को समझा, जिसमें हमने डिफरेंट मोड्स के बारे में बात किया, जैसे असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, बाय ट्रांसफर ऑफ असाइनमेंट, और लास्ट में इन केस कॉपीराइट ओनर डाइज इंटेस्टेट, अगर कॉपीराइट ओनर अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में अपने कॉपीराइट के रिगार्ड में विल बनाए बिना ही मर जाता है, तो उस केस में जो कॉपीराइट है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा। तो ओवरऑल हमने कॉपीराइट असाइनमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा और डिफरेंट मोड्स ऑफ असाइनमेंट को जाना। हमने बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को भी समझ लिया था। अब आईपीआर में केवल इस वीडियो के बाद दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक कॉपीराइट सोसाइटीज ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस और दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन आईपीआर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट लाइसेंसिंग को समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे कॉपीराइट लाइसेंसिंग कॉपीराइट असाइनमेंट से डिफरेंट है, अलग है, राइट? तो टॉपिक डाल लो कॉपीराइट लाइसेंसिंग। कॉपीराइट लाइसेंसिंग कॉपीराइट लाइसेंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपीराइट असाइनमेंट। इन लाइसेंसिंग लाइसेंसी गेट्स सर्टेन राइट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन लाइसेंस अग्रीमेंट, बट ओनरशिप इज नॉट वेस्टेड इन हिम, वेयर एज इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी बिकम्स ओनर ऑफ इंटरेस्ट असाइंड। देखो जो बेसिक डिफरेंस है कॉपीराइट लाइसेंसिंग और कॉपीराइट असाइनमेंट में वो ये है कि कॉपीराइट लाइसेंसिंग में जो ओनरशिप होता है ओवर कॉपीराइट, कॉपीराइट लाइसेंसिंग में जो ओनरशिप होता है ओवर कॉपीराइट वो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर के ही पास रहता है। जबकि कॉपीराइट लाइसेंसिंग में कॉपीराइट असाइनमेंट में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर कॉपीराइट। कॉपीराइट लाइसेंसिंग में कॉपीराइट ओनर एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, किसको? लाइसेंसी को। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि इस कॉपीराइट का इतना यूज आप करोगे, यानी जो वे ऑफ टेकिंग बेनिफिट्स और वे ऑफ टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम द कॉपीराइट वो मेंशन होता है। तो लाइसेंस में जो भी कंडीशंस मेंशन होंगे लाइसेंसी को उन कंडीशंस के तहत कॉपीराइट को यूज करना है, जबकि असाइनमेंट में
कॉपीराइट ओनर अपने ओनरशिप को ट्रांसफ़र करता है, और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो वेरियस मोड्स के थ्रू हो सकता है, जैसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, बाय ट्रांसफ़र ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, तो कॉपीराइट लाइसेंसिंग में सर्टेन कंडीशंस मेंशन होता है, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए लाइसेंसी को ये राइट मिलता है कि वो उन्हीं कंडीशंस के तहत कॉपीराइट को यूज़ कर सकता है, जबकि कॉपीराइट असाइनमेंट में पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर टू द असाइनी। What is copyright licensing? A copyright license gives licensee authorization to use a work from copyright owner, usually in exchange for payment. So basically, copyright licensing ke through, copyright owner apne work ka kuch part transfer karta hai. Kisko? Second person ko. और ये जो सेकंड पर्सन है, कॉपीराइट के यूज के बदले में कॉपीराइट होल्डर को रिम्यूनरेशन पे करता है, पैसे पे करता है, जिसे हम रॉयल्टीज कहते हैं। कॉपीराइट लाइसेंसेस मे बी एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव, एंड राइट्स दैट कम विद देम वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ ईच लाइसेंस। कह रहा है ये जो कॉपीराइट लाइसेंस है ये दो फॉर्म में हो सकता है, एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस, और दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस, नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस। तो अभी इन दोनों टाइप्स ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसिंग को हम समझेंगे। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल को समझें कॉपीराइट लाइसेंसिंग का, तो वो क्या हो सकता है, जब किसी बुक का ऑथर लाइसेंस करता है, लाइसेंस देता है दूसरे पब्लिशर्स को कि वो उसके बुक को प्रिंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उसके रिटर्न में उसे रॉयल्टीज पे करेंगे, कॉम्पनसेशन पे करेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसिंग कि आप मेरे वर्क को पब्लिश करो, प्रिंट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सेल करो, और जो भी प्रॉफिट आपको मिले उसमें से इतना पार्ट एज पर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट तुम मुझे रॉयल्टी के रूप में देते रहना इतने सालों तक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसिंग। अब देखो, हमने देखा कि जो कॉपीराइट लाइसेंस है इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस और दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस। देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस क्या है। इफ यू ग्रांट एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू द अदर पर्सन रिगार्डिंग योर वर्क, ओनली द लाइसेंसी होम यू गिवन द वर्क कैन यूज द वर्क, and even you as original copyright owner are excluded from using the work in the manner and length of time described in license. Moreover, the copyright owner may not authorize any other than exclusive licensee to exercise granted rights. देखो क्या कहता है। अपने
पहले वीडियो में आईपीआर के लेक्चर में अपने पहले वीडियो में जब हमने ये समझा कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन प्रॉपर्टी, आप कैसे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो, तो हमने ये जाना कि प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी ऐसा चीज विच इज या ओवर विच अ पर्सन कैन हैव हाईएस्ट राइट्स, कोई भी ऐसा चीज जिसके ऊपर किसी पर्सन का राइट्स हो, राइट रिगार्डिंग ओनरशिप, राइट रिगार्डिंग पोजीशन, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। यानी हमने जाना कि प्रॉपर्टी मीन्स नथिंग बट अ थिंग पैक्ड विथ बंडल ऑफ राइट्स और इफ ही इज ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अगर ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का ओनर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से जुड़ा जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, वो केवल और केवल इसे बिलोंग करेंगे। और हमने जाना कि जब हम एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एनी प्रॉपर्टी इस टर्म को यूज़ करते हैं, तो हम बेसिकली चार तरह के राइट्स के बारे में बात करते हैं। एक राइट टू यूज़, दूसरा राइट टू डिस्पोज, तीसरा राइट टू ट्रांसफ़र और चौथा राइट टू डिस्ट्रॉय। तो ही इज एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी ये जो चार राइट्स हैं इन्हें एक्सरसाइज करने का जो राइट है वो केवल और केवल इसी के पास है। तो ही इज एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच मीन्स दीज फोर राइट्स कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय हिम इन रिगार्ड्स टू हिज प्रॉपर्टी। तो एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस का मतलब ये है कि जब कॉपीराइट ओनर अपने वर्क को लाइसेंस करता है दूसरे लाइसेंसी को एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस के फॉर्म में, तो उस पर्टिकुलर कॉपीराइट को यूज करने का या उससे बेनिफिट लेने का जो राइट होगा वो केवल और केवल उसे बिलोंग करेगा। और कॉपीराइट ओनर दूसरे पर्सन्स को यानी दूसरे लाइसेंसी को ऑथराइज नहीं कर सकता है टू टेक बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट, इवन जितने पीरियड के लिए, जितने समय के लिए उसने कॉपीराइट लाइसेंसिंग किया है, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस किया है, उतने समय तक के लिए खुद कॉपीराइट ओनर भी ऑथराइज नहीं है किसी प्रकार से इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस में जो लाइसेंसी होता है, कॉपीराइट को यूज़ करने का जो एक्सक्लूसिव राइट्स होता है वो केवल और केवल लाइसेंसी के पास होता है, और कॉपीराइट ओनर दूसरे पर्सन्स को ऑथराइज नहीं कर सकता है उस टाइम पीरियड के लिए जो लाइसेंस अग्रीमेंट में तय किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस। नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस अलाउज मोर देन वन लाइसेंसी, एक से ज्यादा लाइसेंसी होंगे, द राइट टू यूज कॉपीराइटेड वर्क एज डिस्क्राइब्ड इन लाइसेंस। ठीक है, तो यहां पे एक से ज्यादा लाइसेंसी होंगे, देयर इज मोर देन वन लाइसेंसी, और कॉपीराइट वर्क को यूज करने का जो राइट होगा वो इनके पास होगा, सभी के पास होगा एज पर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट। दिस टाइप ऑफ लाइसेंस स्टिल अलाउज द कॉपीराइट ओनर टू रिजर्व एंड एक्सरसाइज द राइट्स ग्रांटेड एज वेल एज टू ग्रांट द राइट टू अदर लाइसेंसी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपीराइट ओनर है उसके पास राइट होता है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है अपने राइट्स को अपने पास,
या उसमें अल्टरेशन कर सकता है, किसी दूसरे कॉपीराइट लाइसेंसी को ज़्यादा राइट्स दे सकता है, किसी के राइट्स को रिटेन कर सकता है, तो इट इज़ अप टू हिम बिकॉज हियर देयर इज मोर देन वन कॉपीराइट लाइसेंसी। और ये किस कैटेगरी में है? नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस के कैटेगरी में है। यानी इनके पास कॉपीराइट को यूज करने का राइट तो है, बट वो राइट नॉन एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। हाउएवर लाइसेंसी मे नॉट ऑथोराइज अदर टू एक्सरसाइज द राइट्स टू दैट वर्क विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर, ठीक है। तो यहां पे कॉपीराइट लाइसेंसी अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज नहीं कर सकता है कि वो इसका इस कॉपीराइट का यूज करे। अगर वो ऐसा करता है तो कॉपीराइट ओनर का परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने कॉपीराइट लाइसेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने दो तरह के कॉपीराइट लाइसेंस के बारे में बात किया, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस और दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने समय के लिए कॉपीराइट लाइसेंस तैयार हुआ है, जितने टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड तक जो कॉपीराइट लाइसेंसिंग होगा, जो कॉपीराइट लाइसेंसी होगा एक्सक्लूसिव कॉपीराइट लाइसेंस में, वो ओनर होगा? बिकॉज द राइट द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज दैट कॉपीराइट एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू हिम ओनली, केवल इसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइसेंसी होंगे लेकिन इनका जो है कॉपीराइट के ऊपर एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। और इनके राइट्स को कॉपीराइट ओनर वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, रिटेन कर सकता है, और ये अपने बिहाफ में किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज नहीं कर सकते हैं टू मेक द यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, ठीक है। तो ये था कॉपीराइट लाइसेंसिंग और कॉपीराइट असाइनमेंट के बीच माइनर डिफरेंस। कॉपीराइट असाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, जबकि लाइसेंसिंग में केवल अ पार्ट ऑफ कॉपीराइट इज ट्रांसफर्ड एज पर द कंडीशंस मेंशनड इन कॉपीराइट लाइसेंसिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉपीराइट सोसाइटीज़ के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 2 साल होने को आ गए और अभी भी हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।